क्या हुआ टुक्कू? ये रसोई में कैसे आ गया? अबे बाहर कैसे निकला? कहां से आ गए? टुक्कू क्या हुआ? टुक्कू अब कैसे जाएगा? ये कहां से आ गया? टुकू को देखो कितने मजे ले रहा है। टुकू कौन है? टुकू बहुत खुश हो रहा है कि वो हमारे हमारी फैमिली में एक न्यू मेंबर आ गया है। बहुत खुश हो रहा है। पर बाबू उसको रख नहीं सकते ना हम, वो बाहर रहता है, यहाँ पे किचन में नहीं रहता है। पता नहीं कहाँ से आ गया है। क्या हुआ टुकू? क्या हुआ टुकू? देखो कितना खुश हो रहा है कि कबूतर आ गया है अंदर हमारे साथ खेलने के लिए। हैं? रख ले इसे, छोड़ा है, छोड़ दे टुकू। तो हमने मेन गेट खोल देते हैं, यहां से निकल जाए। निकलो निकलो निकलो, निकल जा निकल जा निकल जा। टुकू आ जा। और ये निकल गया। वो देखो वहां जाके बैठ गया और टुक्कू देख रहा है। आ जाओ टुक्कू, टुक्कू आओ, आ जाओ यार। बेचारा दुखी हो गया है, सैड हो गया है कि उसका जो बेचारा एक ही दोस्त मिला था घर में खेलने के लिए वो भी चला गया। चला गया वो तो, चला गया उसे। आ जाओ दूसरा ढूंढ के लेके आएंगे। अबे पड़ोसियों के घर जाएगा। वही मैंने टुक्कू का बन बनाया, हेयर बन और बिंदी लगाई है। कितना क्यूट लग रही है ना मेरी बेटी। और ये देखो हेयर बन मैंने इसका न्यू स्टाइल का बनाया है इस बार। टुक्कू दिखाना, अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल क्यूट क्यूट गर्ल के टाइप का, जैसे बनाते हैं ना फ्रंट बन और पीछे के बाल खुले रहते हैं, बिल्कुल वैसा बन बनाया है मैंने इसका, नारद मुनि वाला। और ये बाहर देख रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, उनको देख देख के खुश हो रहा है क्योंकि तो बेचारा बाहर जा नहीं पाता है, जाता भी तो बहुत कम जाता है। टुक्कू अपनी बिंदी भी तो दिखा दो, दिखाना टुक्कू, टुक्कू दिखा दो। और अब मैं बनाने जा रही हूँ टुक्कू के लिए ब्रेड रोल, और टुक्कू मेरी हेल्प कर रहा है। टुक्कू क्या कर रहे हो? गिर मत जाना। टुक्कू क्या कर रहे हो? टुक्कू देखना, तो टुक्कू के लिए जो मैंने ब्रेड रोल बनाया था ना वो देखिए उसने किस तरीके से खाया, मुंह का कैसा किया है। टुक्कू देखना इधर, ये देखो क्या तरीका है खाने का। अब बज रहे हैं 8, 8 बज चुके हैं। आज कुछ ज्यादा खाना नहीं बनाना था, हमने मैगी बना ली थी क्योंकि राघव को ज्यादा भूख नहीं थी, मुझे भी नहीं थी, दिन में ज्यादा हो गया था थोड़ा हैवी, तो इसलिए मैगी बनाई थी वही खाई। उसके इसलिए मैंने सोचा कि आज शाम को ही बना लेती हूँ क्योंकि दिन में तो टुक्कू बिल्कुल भी आराम नहीं लगने देता है। तो गाजर का हलवा बनाना था क्योंकि नया साल आ रहा है, तो नए साल न्यू ईयर की वजह से, और मेरा मन भी था बनाने का कि न्यू ईयर पे ही बनाते हैं, इसलिए पेंडिंग रखा हुआ था। तो अब बना रही हूँ मैं गाजर का हलवा। और हाँ, मूंग की दाल का हलवा बना के तो हमने खा भी लिया, थोड़ा सा बनाया था, ओहो शेयर भी नहीं कर पाई मैं आपके साथ, टाइम नहीं मिल पाया, बट अब गाजर का हलवा बना रही हूँ तो वो शेयर कर रही हूँ। और ये अभी मैंने गाजर धो के छील के और घिसना शुरू कर दिया कद्दूकस में, और गाजर अच्छे से धोनी चाहिए बिकॉज अगर उसमें ज़रा से भी मिट्टी रह जाती है ना तो फिर वो किसकता है गाजर का हलवा ना, वो सारा टेस्ट बर्बाद हो जाता है। तो अच्छे से, चाहे जितना ज़्यादा पानी लग जाए, अच्छे से धो के और छील के उसके बाद मैंने कस ली है। उसके बाद कढ़ाई रख दी है गैस पे, और फिर पहले घी डालना है, घी डालने के बाद उसमें फ्राई करेंगे गाजर को हम अच्छे से, और फिर उसको लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम ना पकने के लिए
रख देंगे, क्योंकि उसका जो पानी है ना वो निचुड़ जाता है फिर गैस में, उसके बाद आगे का प्रोसीजर होगा। और टुकू देखिए पीछे से कितना परेशान है। तो अभी फिलहाल मैं घी डाल रही हूँ उसमें, और इतना सा डब्बा है उसमें इतना बड़ा चमचा डाल रही हूँ, बाद में होश आया कि ये चम्मच से निकलेगा, क्योंकि इन सर्दियों में ना घी जम जाता है। और अभी भी राघव आ चुके हैं, कुछ इतना ज़्यादा काम भी नहीं था, फिर भी टुक्कू इतना परेशान कर रहा है कि बिल्कुल ही हद कर रखी है कि ऊपर बिठाओ, मुझे यहाँ बिठाओ, या तो फिर खेलो इसके साथ। इसको दोनों ही चाहिए, ये नहीं कि पापा के पास बना रहे या मम्मा के पास बना रहे। तो अब ये मैंने घी डाल दिया है, और जैसे ही घी थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, थोड़ा क्या मतलब नॉर्मल गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें गाजर डाल देंगे। तो ये गाजर मैंने सारी कद्दूकस कर ली थी, घी गर्म हो चुका है, तो अब ये हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो ये कढ़ाई में डाल दी है, अब अच्छे से इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जो घी मिक्स हो जाए इसमें, और उसके बाद हम इसको ढाँक के रख देंगे जब तक इसका पानी नहीं छोड़ने के लिए, जो पानी है ना वो मतलब गैस पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा उबलते उबलते, उसके बाद आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो अभी न्यू ईयर आने वाला है, और मेरी इस साल की लास्ट अपलोड ही है, लास्ट पोस्ट है जो मैं अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे, तो इसलिए सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और इस साल जिसके साथ जो गलत हुआ है उसको भूल जाइए, और जो अच्छा हुआ है उसको याद कीजिए, और आगे आने वाले साल के लिए अच्छे अच्छी विश कीजिए, अच्छे अच्छे रेजोल्यूशन लीजिए। इसीलिए मैं आपको इसी के साथ आपको विश कर रही हूँ कि आप सबका हैप्पी न्यू ईयर जो है सच में हैप्पी हो जाएगा। इसलिए हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, और आपकी फैमिली को भी, सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। तो ये देखिए अच्छे से मैंने फ्राई कर दिया, उसके बाद मैंने इसको ढाँक के रख दिया है ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से मतलब उबल जाएगा उसके बाद। तो अब काफ़ी टाइम हो गया था, पानी नहीं उबल चुका था, उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाली है। और हाँ, 1 किलो गाजर लिया है, उसमें मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें चीनी ऐड की है, यानी कि शुगर, और 1 किलो ही दूध डाला है। और क्योंकि मावा जो होता है ना, वो तो आपको पता ही है कि बड़े बड़े शहरों में कितनी ज़्यादा मिलावट आती है, तो इसलिए मावा यूज़ नहीं किया। दूध तो आप चाहे जितना भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा दूध यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी गैस बर्बाद होगी, तो इसलिए 1 ही किलो दूध लिया है। उसको भी मैंने पहले उबलने के लिए रख दिया था, वो उबल उबल के बिल्कुल कम आधा किलो के बराबर रह गया, उसके बाद मैंने ये डाला है इसमें दूध। तो अभी फ़िलहाल तो चीनी ही डाली है, और चीनी उबल जाएगी अच्छे से, मेल्ट हो जाएगी ना, उसके बाद मैं इसमें दूध डालूंगी। मेल्ट हो जाएगी मतलब दाने दाने से नहीं रह जाएंगे, जैसे मेल्ट हो जाएगी ना चलाते चलाते, उसके बाद तभी, उसके बाद ही मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल तो चला ही रहे हैं, और जब मेल्ट हो जाएगी चीनी तब उसके बाद दूध ऐड कर देंगे, एंड उसके बाद तो फाइनली प्रोसीजर है। गाजर का हलवा सबसे ज़्यादा ईजी होता है, और रवे के रवा और जो सूजी का हलवा होता है ना, उसके बाद सेकेंड नंबर पे मुझे यही वाला सबसे ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 या 3 ही स्टेप है। बस इसमें हार्ड वे ये है कि आपको गाजर घिसने में बहुत टाइम लगता है, और उसमें कई बार हाथ में भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कट जाता है। तो ये देखिए चीनी तो मेल्ट हो चुकी है, तो अब मैंने इसमें दूध डाल दिया है। तो अब इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसका जो ये पानी है इसमें और मिल्क है वो मतलब फ्लेम हो जाए, उसके लिए हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखेंगे। और ये बादाम है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के लिए, और मैं सिर्फ बादाम ही डाल रही हूँ, क्योंकि काजू हम मैं कमी रख पाती हूँ, कमी क्या रख पाती हूँ, जब भी काजू आते हैं ना तो 2 दिन भी नहीं होते हैं, मैं खा जाती हूँ सारे के सारे, तो इसलिए ज़्यादा रुकते नहीं है काजू मेरे घर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बादाम मैंने इसको बारीक बारीक काट के उसको इसको ही डालेंगे इसमें गाजर के हलवे में। तो ये देखिए पानी बिल्कुल छलक सा गया है, थोड़ा सा रह गया, बस 5 या 10 मिनट और चलाना पड़ेगा, और बीच बीच में चलाते रहना, ये नहीं कि आपको बिल्कुल प्रॉपर चलाते रहना है, ऐसा नहीं है, जब बिल्कुल गाढ़ा होने लगे तब आपको चलाना है। और ड्राई फ्रूट भी मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, तो आधे तो मैं इसमें अभी डाल देती हूँ, और आधे मैं इसमें ऊपर सर्व करते हैं ना जैसे, तो तब डालने के काम आएंगे, तो थोड़े से बचा लेती हूँ मैं, ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि 1 किलो गाजर का हलवा वैसे तो बहुत लगती है देखने में गाजर, बट बन जब बिल्कुल बन जाता है उसके बाद तो थोड़ा सा ही रह जाता है। बट हम 2 ही लोग हैं, 2 लोग में भी मैं और टुक्कू राघव ये हलवा भी नहीं खाते हैं, खाते हैं तो ज़रा मरा सा खाते हैं, तो इतना तो हमारा चले है कम से कम 7-8 दिन। और ये चाहिए हर चीज़, कुछ भी बनाती हूँ ना पहले अपना कटोरा कटोरी लेके प्लेट व्लेट लेके पहले तैयार हो जाते हैं ठाकुर साहब,
तो ये देखिए गाजर का हलवा हमारा बन चुका है और आप लोग भी इनवाइटेड हैं न्यू ईयर पे। सब जिसको भी लग रहा है कि हाँ अच्छा बना होगा तो वो खाने के लिए आ सकते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर अगेन। और गाजर का हलवा कैसा लगा आपको और आज की ब्लॉग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और टुक्कू जब तक ले नहीं लेगा तब तक वो कटोरियाँ बदलता रहेगा लेकिन हार नहीं मानेगा बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा मेहनती लड़का है। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ और फिर इन्जॉय करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।